नाज़रीन, हकाइक टीवी में प्रोग्राम हकाइक विद एहसान बिठाते हुए आपके होस्ट मुस्तफा एहसान। नाज़रीन, आज हमने अपने साथ दावत दी है दोबारा सॉफ्टवेयर हाउस के सीईओ उसामा अजीज साहब को, जो हमारे में पहले तशरीफ ला चुके हैं और उन्होंने मुश्किल बताई थी कि सॉफ्टवेयर हाउसेस को पाकिस्तान में क्या मुश्किल पेश आती हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उस बारे में। इनकी जो उस दिन गुफ्तगु हुई थी हमारे साथ, उसमें मेरे लिए एक नुमा फिक्रिया था जिसको मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था और इनकी तजावीज चाहता था उस पर कि उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात हो सके। और वो इनकी एक स्टेटमेंट थी, इनका एक बयान था जब इन्होंने कहा था कि आज कल की हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कॉलेजेस स्टूडेंट्स नहीं, वो टैलेंट नहीं, मतलब रोबोट्स बना के बाहर निकालते हैं क्योंकि उनकी लैब्स बंद पड़ी हुई है, तो हमारे नौजवानों के पास हैंड्स ऑन एजुकेशन नहीं होती। तो नाज़रीन, ये हमने बुलाया है इनको दोबारा ताकि इनसे बात की जा सके कि आप क्या देखते हैं एज ए सीईओ, क्योंकि आप जैसे लोगों ने, आप हमारे मुल्क का सरमाया है, आप जैसे लोगों ने हमारे नौजवानों को नौकरियां देनी है, उनके हालात बेहतर करने हैं और कर रहे हैं शुक्र अल्लाह का। तो आप हमें बताइए प्लीज कि वो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं, ऐसे कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जिनको आजकल के नौजवानों को ज्यादा स्टडी करना चाहिए, जो आप ट्रेंड देख रहे हैं अगले 10-15-20 साल में। प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, कि आपने मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मधु किया यहाँ पर। जैसा कि मैं पहले भी आपसे ये बात बता, मेरी और आपकी डिस्कशन हो चुकी है इसी प्रोग्राम के मतवसत से, कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो पैदा ही नहीं कर रहे, वो टैलेंट ही नहीं वो पैदा कर रही कि जिनकी हमें आगे इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। बात ये है मुस्तफा भाई, कोई भी ग्रिप है, अगर कोई भी आपके पास टैलेंट है, कोई स्किल है, उसके ऊपर आप ग्रिप करना जो है वो आपका काम है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि आप बच्चों को उसके ऊपर ग्रिप करवाएं। अगर आप 4-5 चीज़ों के अंदर चले जाएंगे, आप एक स्किल को नहीं पकड़ेंगे, 5 स्किल्स को पकड़ लेंगे, तो आपकी डिवाइड हो जाएंगे आपके जो टैलेंट है। इसलिए हमेशा आपको एक ही स्किल के ऊपर काम करना है, वो चाहे कोई भी हो। अगर आपका, आप आर्टिस्टिक किस्म के आदमी हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आप लॉजिक्स के अंदर, मैथमेटिक के अंदर अच्छे हैं, डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग के अंदर जाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली आपको एक मार्केट का रुझान भी देखना चाहिए। अब वो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर डेवलपर्स हो गए जो वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो आपको अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे यंग जनरेशन को इससे बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। उनको जाना चाहिए डेटा की तरफ जाना चाहिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहिए, उनको मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, उनको डैशबोर्ड्स की तरफ जाना चाहिए, जो कि एक कंपनीज को ज़रूरत होती है अपने एनालिटिक्स देखने के लिए। ठीक है, तो उसामा भाई मुझे अब ये बताएं उसमें से कि मैं खुद भी जैसे डाटा आईटी फील्ड से रिलेटेड हूँ, जो मैंने देखा है बाहर भी वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में, आप जाते बात करते हैं मशीन लर्निंग की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बहुत एडवांस डिग्रीज होती हैं, ज़्यादा लोग पीएचडी लेवल के होते हैं या एडवांस मास्टर्स लेवल के होते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेशन की आप बात करें एनालिटिक्स की, उसमें माइक्रोसॉफ्ट बीआई टूल्स भी है, आपकी आईबीएम की कॉग्नोस टूल्स भी हैं और भी हैं जिसमें आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो इदारे मौजूद हैं जो ज़्यादा एडवांस एजुकेशन दे सकें एआई में और डाटा साइंस में या उसमें मशीन लर्निंग में? मेरे ख्याल से अभी तक हमारे इदारों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ ही मौजूद नहीं है। हमारे पास अगर कोई अच्छा टीचर होता है, वो अगर एआई में पीएचडी कर लेता है तो वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं, क्योंकि हम उसको उस तरह पे ऑफ ही नहीं कर सकते। जो भी हमारे पास टैलेंट होता है वो पाकिस्तान में रुकता ही नहीं है, क्योंकि हम उसके टैलेंट की कभी कदर ही नहीं करते। तो फिर यहाँ पर तो वाकई ही ये चीज़ें जो हैं वो लैग कर रही हैं हमारे पास। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हम आईटी जो है, आईटी का जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। आप इंडिया की आईटी देख लें, आप बांग्लादेश की आईटी देख लें, हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ इनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि ये अपने बच्चों को जो यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं उनको ट्रेन कर सकें, उनको एक अच्छा रिसोर्स बना सकें, ताकि वो हमारा, हमारे मुल्क का और हमारी इंडस्ट्री का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, तो उसमें एक बात जो आपने पहले कही थी कि हमारे
जो एजुकेशन सिस्टम है कि आप अपने शौक को अगर आप उससे पैसे बना सकें, अपनी हॉबी को जहाँ आपका दिल लगता है उससे पैसे बना सकें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो उसके उसमें रुझान पैदा करने के लिए कम उम्र के बच्चों के लिए, नौजवानों में जैसे आप समझ लें पांचवी छठी सातवें के जमात के बच्चों को साइंस की तरफ लाने के लिए हमारी हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इन्हें जो अपना एजुकेशन सिस्टम है जो कि प्राइमरी से हमारे यहाँ पर शुरू होता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, वहाँ पर इनको कोई अच्छे कैलिबर के कंप्यूटर के टीचर्स जो हैं, जो आईटी के टीचर्स हैं, जो साइंस के टीचर हैं, उनको हायर करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक जो बच्चे नौजवान जिन्होंने अभी नौजवान होना है, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनका रुझान बने साइंस की तरफ, वो अपनी फील्ड शुरू से ही सिलेक्ट कर लें कि मैंने बड़े होकर ये काम करना है, ये बनना है, ताकि वो मेहनत करनी शुरू करें। हमारे टीचर्स के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे टीचर्स भी बहुत कैपेबल हैं, लेकिन पता नहीं एक सरकारी महकमे ऐसे होते हैं कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक वो हाजिरी और अटेंडेंस को पूरा करते हैं और उसको एजुकेशन जो उनको देनी चाहिए, जो कि अंबिया का काम है एजुकेशन देना, इतना बड़ा अहदा इनके पास होता है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो बात फिर यही है मुस्तफा भाई के, एक पैरामीटर सेट होना चाहिए टीचर्स पे, प्रोफेसर्स पे, जो भी जो अगर कोई लैब असिस्टेंट है उसको उतनी समझ होनी चाहिए कि बच्चा कोई क्वेश्चन करे मैंने उसको कैसे प्रैक्टिकली उसको मैंने सॉल्व करना। ठीक है, तो मुस्तफा आपसे आज का आखिरी सवाल मेरे साथ ये है कि आप इन हालात को कुछ बेहतर होता देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में, या आप क्या ये तब्दील करने के लिए आप जाती तौर पे क्या तब्दीली ला सकते हैं एज ए सीईओ, या लाना चाहते हैं क्या? हमें वो एग्जीबिशंस हमारे प्राइवेट, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि जैसे आपने पहले बताया था गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही, तो ये क्या हम लोग जाती जिम्मेदारी, आप जैसे जो सीईओज हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या वो ये जाती जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन अरेंज की जाए जहाँ से वो टैलेंट सर्च किया जा सके? डेफिनेटली देखें, अगर हम जाती जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमें ही डायरेक्टली नुकसान होगा। एक तो पाकिस्तान का तो होगा ही होगा, हमें इसलिए डायरेक्टली नुकसान होगा कि हम जो लोग हायर करेंगे वो ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड नहीं होंगे, जब ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड नहीं होंगे, उनके पास स्किल्स नहीं होंगी, तो ज़्यादा अच्छा हमारा ही काम नहीं कर सकेंगे। तो इसे देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा ही नुकसान है। हमें डेफिनेटली इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ कोई बैठे, हमारे साथ जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन उनके साथ बैठे, हमारे साथ कोई प्रोग्राम जो है वो बनाए जिसके मुताबिक हम बच्चों को ट्रेन करें यूनिवर्सिटीज़ के बाद। ये यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई बच्चा BSIT या BSc कर रहा है तो उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनके होना चाहिए कि वो उन्होंने 2-3 महीने किसी सॉफ्टवेयर हाउस के साथ बैठ के काम करना है। हम सिखाने के अंदर कभी भी बुरा फील नहीं करेंगे, बल्कि ये तो हमारा पैशन होता है कि हमारे पास से अच्छे बच्चे ट्रेन होकर बाहर निकले, हमारे लिए काम करें, हमारे साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज आईटी की बैठे हैं उनके लिए काम करें। लेकिन हमें इससे बहुत फख्र महसूस होगा अगर हमें गवर्नमेंट ये चांस दे। हम जाती तौर पर इंटर्नीज हायर करते हैं, उन्हें सिखाते भी हैं, लेकिन बात यही है कि हम कितने कर लेंगे। जब तक कोई गवर्नमेंट एक पैरामीटर नहीं बनाएगी हमारे लिए, तब तक हम ज्यादातर उसको आगे नहीं लेके जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर भाई। नाजरीन, जैसे आपने सुना डिस्कशन से, हमें तवज्जो देनी चाहिए अपने शौक पे, अपनी तालीम पे, हमारे अपने बच्चों के जो बड़े हो रहे हैं उनका रुझान देखना चाहिए। अगर उनका रुझान है कंप्यूटर्स की तरफ तो उनको डेफिनेटली उसमें वो अपॉर्चुनिटीज हुकूमत को देनी चाहिए कि उस तरफ ज्यादा पढ़ सके, और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं इतने लगे ये मुल्कालमिया है कि आप बच्चों के लिए कंप्यूटर सपोर्ट कर सके, ऐसा कर सके, लेकिन जो कर सकते हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए। नाजिर, उसके साथ ही मैं ये भी कहता चलूंगा कि उसामा अजीज जैसे CEO एंटरप्रेन्योर्स हमारे मुल्क का सरमाया है, आप इन जैसे लोगों को सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के थ्रू भी रीच आउट करें कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को इंटर्नी जैसे उन्होंने कहा उसकी तरफ रुझान पैदा करें, सीखने की तरफ रुझान पैदा करें। आपको बेशक पे मेरे न मिले कुछ महीनों के लिए, लेकिन आप एक जगह बैठ के काम सीखेंगे वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा और इंशाल्लाह आपकी तरक्की आसान होगी। शुक्रिया नाजरीन, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।